हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट कर रहे हैं साइंस की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 13। तो ये वर्कशीट भी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पर ही है। आप ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक वर्कशीट कर चुके हैं, तो आपको पता है ऑलरेडी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है जिसका pH 7 होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर मिलता है तो वो एसिडिक सॉल्ट बनाता है जिसका pH less than 7 होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलकर बेसिक सॉल्ट बनाता है जिसका pH greater than 7 होता है। वहीं एक और सॉल्ट है रॉक सॉल्ट, विच इज सॉल्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज अ क्रिस्टलीन मिनरल। तो जो एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में सॉल्ट होता है, वो नेचुरल फॉर्म में सॉल्ट होता है, उसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं। अब इस कॉमन सॉल्ट से, जो आपके घर में जो नमक है, जो कॉमन सॉल्ट है, उससे कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं? उससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी वर्कशीट में सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन का प्रोसेस बताया हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन का प्रोसेस है कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, जिसे ब्राइन भी बोलते हैं, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में ऐड करके एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब ब्राइन बनाते हैं, और उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो डिकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं उसको? इसलिए क्योंकि जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो एनोड पे क्लोरीन गैस लिब्रेट होती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है, और कैथोड पे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। तो ये जो अलग अलग चीजें हमें मिलती हैं इस रिएक्शन में, उसके कई यूजेस होते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 जो है वो फ्यूल्स में यूज होती है, हाइड्रोजन आर्टिफिशियल बटर मार्जरीन बनाने में यूज होती है, क्लोरीन गैस जो है वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो एक सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर होता है, उसमें यूज होता है क्लोरीन। साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हमारे ACs हैं, DOs हैं, एरोसोल्स जो होते हैं उसमें CFCs होते हैं, वहां पर क्लोरीन यूज होती है। फिर आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वो स्टील क्लीन करने में और मेडिसिन्स में यूज होता है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये मेटल्स से ग्रीस हटाने के लिए और सोप और पेपर बनाने के लिए यूज होता है। साथ ही साथ जब क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं तो वो ब्लीच बनाता है, जिसको जो हाउस होल्ड ब्लीचेस होते हैं या फैब्रिक्स को ब्लीच करने के लिए, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए जो एजेंट यूज होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का मिक्सचर होता है। तो इसी पे बेस्ड आज आपके क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस भी जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, व्हाई इज इट कॉल्ड सो? तो हमने अभी इसको डिस्कस किया कि क्लोर एल्कली प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन, और इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्यों? क्योंकि एनोड पे क्लोरीन लिब्रेट होती है जिससे क्लोर, और फॉर्मेशन होती है एक एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो क्लोर एल्कली का मतलब है क्लोरीन मिल रही है हमें और हमें एक एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। अब क्वेश्चन टू है आपका, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ये भी डायरेक्ट आंसर है यहीं पर। तो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस? गिव एनी टू यूजेस ऑफ दैट गैस। इसका आंसर भी हम आपको यहाँ शो कर देते हैं। क्लोरीन गैस जो है वो लिब्रेट होती है एनोड पे जब क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके क्या यूजेस हैं, वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, वो PVC में यूज होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में CFCs में यूज होती है। अब क्वेश्चन फोर है, नेम द केमिकल यूज इन सोप एंड पेपर मेकिंग, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो केमिकल है जो सोप और पेपर मेकिंग में यूज होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी टू यूजेस ऑफ H2 गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको हाइड्रोजन गैस के कोई भी दो यूजेस लिखने हैं, वो यहाँ पर लिखे हैं, फ्यूल्स और मार्जरीन,
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो ये स्टील्स को क्लीन करने में यूज होता है और मेडिसिन्स में यूज होता है। आपको यहाँ पर हम सैम्पल आंसर्स भी दिखा देते हैं और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं हिंदी की वर्कशीट पर। आपकी हिंदी की वर्कशीट जो है वो कार्यपत्रक 13 है। तो हमने इससे पहले भी बाल गोबिंद भगत पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने उनका चित्रण किया था, हमने ये पहले भी वर्कशीट की है, उसी पे बेस्ड एक अंश यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। तो मैं जल्दी से ये आपके लिए पढ़ देती हूँ। बाल गोबिंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो वो बहुत गोरे थे और उनका कद जो था मीडियम हाइट थी उनकी, बहुत छोटे नहीं थे, बहुत लंबे नहीं थे, 60 के ऊपर ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। तो उनकी दाढ़ी लंबी नहीं थी और बाल भी लंबे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके सर पे जो बाल थे, जो पक गए थे, जो सफेद थे, उससे उनका चेहरा चमकता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, तो ज्यादा शो ऑफ में वो बिलीव नहीं करते थे। बहुत चमकीले भड़कीले बहुत सारे कपड़े वो नहीं पहनते थे। तो वो बहुत सारे कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन बस एक लंगोटी मात्र सी धोती पहनकर और सर पर एक कनफटी टोपी, एक छोटी सी टोपी पहनकर जो कबीर पंथियों जैसी दिखती थी, बस वो पहनकर रखते थे। जब जाड़ा आता था एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। तो जब सर्दियां आ जाती थी तो बस इसी धोती में और इसी टोपी में एक काली कमली, एक काला शॉल भी एड ऑन कर लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। तो उनके माथे पर हमेशा एक तिलक रहता था, जो रामानंदी चंदन का तिलक होता था वो रहता था, और नाक के एक छोर से शुरू होता था, जैसे औरतें टीका लगाती हैं वैसे शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। तो उनके गले में एक तुलसी की जड़ों की एक माला थी जो टेढ़ी मेढ़ी सी थी, तो वो उनके गले में रहती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो अगर आप ये उनका डिस्क्रिप्शन, ये चित्रण अगर सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो कोई साधु थे, जो इन्होंने तिलक लगा रखा है, जो ज्यादा चकमक वाले कपड़े नहीं पहनते हैं, बस धोती और टोपी पहनकर रखते हैं। तो ऐसे में किसी को लग सकता है कि वो साधु थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल गृहस्थ आदमी थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था। तो लेखक ने उनकी पत्नी को, उनकी गृहिणी को तो नहीं देखा था, लेकिन उनके बेटे और पुतोहू को उन्होंने देखा था। तो इसलिए वो कह सकते थे कि वो गृहस्थ इंसान थे। क्यों? क्योंकि उनकी थोड़ी खेती बारी भी थी, उनका एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था और उनका एक परिवार भी था। किंतु खेती बारी करते, परिवार रखते भी बाल गोपिन भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। तो उनका परिवार भी था, उनकी खेती बाड़ी भी थी, उनका साफ सुथरा मकान भी था। इससे हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत जो थे वो एक गृहस्थ इंसान थे। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक साधु भी थे। क्यों? क्योंकि साधु महात्माओं की जो एक परिभाषा होती है, तो अगर हम किसी को साधु बुलाते हैं तो हम कैसे बुलाते हैं? हम कहते हैं कि वो मोह माया से परे है, उन्हें ये संसार की जो भी चीजें हैं, जो भी अट्रैक्ट करती हैं चीजें, उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो गीतों में, वो भगवान में, वो भक्ति में खोए रहते हैं। तो वो भी कुछ इसी प्रकार के थे। वो कबीर को साहब मानते थे, तो वो कबीर जो एक पोएट हैं वो उनको मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। तो वो कबीर के बहुत बड़े भक्त थे, तो इसीलिए उनको बाल गोपिन भगत को साधु भी समझा गया है, क्योंकि वो कबीर के बहुत बड़े भक्त थे। वो कभी झूठ भी नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका बिहेवियर था, बहुत ही खरा था, बहुत ही ट्रूथफुल थे वो, बहुत ही सच्चे आदमी थे, कोई लाग लपेट नहीं थी उनके व्यवहार में। तो ऐसे बाल गोबिंद भगत थे। तो इस पैसेज पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं एक बार पढ़ देती हूँ, फिर आपको हम सैम्पल आंसर्स भी दिखा देंगे। तो बाल गोबिंद भगत के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो वो कैसे दिखते थे उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में यहाँ करना है।
प्रश्न दो है, लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा है? तो अभी हमने आपको समझाया क्योंकि बाल गोविंद भगत जो थे उनका एक परिवार भी था, उनकी खेती बारी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, तो इसलिए उन्हें गृहस्थ कहा गया है। प्रश्न तीन है, बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे। अब प्रश्न दो चार जो है वो एक गतिविधि है जिसमें अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो अगर कभी आपने कहीं किसी किसान को देखा हो या कहीं आपको उसके बारे में कोई जानकारी मिली हो तो उसके बेसिस पर आपको एक किसान का एक वर्णन करना है। हम आपको यहाँ सैम्पल आंसर्स दिखा देते हैं, आप ये पैसेज पढ़ के और वो सैम्पल आंसर देखकर भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जैसे ही कोई वर्कशीट हम अपलोड करते हैं आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।